हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये है टोयोटा लैंड क्रूजर टू डोर जो होती है गाड़ी, 87 है, 2018 की पोजीशन है ये गाड़ी। बाहर से गाड़ी ये टचअप है, अंदर से पूरी ये गाड़ी चेंज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये है मित्सुबिशी की पिजेरो, 88 का मॉडल है ये। बाहर से गाड़ी ये शावर है, अंदर से पूरी गाड़ी ये जेन्युइन है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आ गए हैं कार सेंटर बाज़ार, और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करना ना भूलें। और कोशिश करेंगे आज जिन दोस्तों की रिक्वेस्ट आई है वो पूरी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों के रिव्यू, कम गाड़ियों के इसलिए रिव्यू करता हूँ कि यार टाइम बहुत कम होता है मेरे पास, वापसी घर भी जाना पड़ता है, बहुत लेट हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगों का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये है मित्सुबिशी की पिजेरो, 88 का मॉडल है ये। बाहर से गाड़ी ये शावर है, अंदर से पूरी गाड़ी ये जेन्युइन है, और टायरों की कंडीशन कुछ इस तरह से साफ़ सुथरी कंडीशन है टायरों से भी, और स्क्रैच वगैरह नहीं है, लेकिन शावर है बाहर से पूरी गाड़ी। अच्छी कंडीशन में है ये भी, बैक साइड से कुछ इस तरह से ही है। और इस साइड से कुछ इस तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में ये गाड़ी, 88 का मॉडल है ये मित्सुबिशी। दरवाजों की कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, और इंटीरियर से कुछ इस तरह से बैक स्पेस वगैरह, और सनरूफ भी है इसमें, अंदर से बैठ के ऊपर से दिखा रहे ना सारे, ये चीज़ें भी दिखा रहे हैं। लेदर कवर, लेदर कवर लगे हुए इसकी जेन्युइन है, ये लेदर की चढ़ाए में ना, कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी है बाहर से। इंजन रूम खोले तो इंजन रूम से कुछ इस तरह से ये गाड़ी, 2400 सीसी इंजन है इसका, और वो भी डीजल पे है। रूम से आप लोग देख सकते हैं कंडीशन, इडली वगैरह लगी हुई है गाड़ी की, और बैटरी न्यू इंस्टॉल्ड है। गली के अंदर लॉक करके गली करी है। अच्छा, मतलब गाड़ी की इंजन रूम भी साफ़ सुथरी है, इंजन रूम जेन्युइन है इसका, और बाहर से गाड़ी पूरी शावर है। इंटीरियर दिखा देता हूं मैं आप लोगों को, बार रेट वगैरह टच करके दिखा देते हैं भाई से क्या मांग रहे हैं इसके। 2400 डीजल इंजन है जी। आगे निकालो बेटा गाड़ियों को, आगे निकालो। पावर विंडो है इसकी, और एमीटर से कुछ इस तरह से गाड़ी, तकरीबन 372,000 किलोमीटर की गाड़ी चली हुई है, और नॉर्मल साउंड सिस्टम लगा हुआ है इसमें। इंटीरियर साफ़ सुथरा है इसका बिल्कुल, LCD बैक कैमरा, और कंडीशन भी अच्छी है, सीटों की कंडीशन भी अच्छी है इस गाड़ी की, मैनुअल में है ये। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसकी डिमांड कर रहे हैं 640। 640 डिमांड कर रहे हैं, किसी कमी पेशी हो जाएगी किसी को लेनी हो तो हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, ये 90 इसका 88 का, ये 88 का ही पाकिस्तान में भी 88 है, पाकिस्तान में भी 88 इम्पोर्ट है, 88 की ही। टैक्स वगैरह पेड है इस गाड़ी का? 2020 जून तक पेड। अच्छा, कोई काम वगैरह तो नहीं है? कोई भी काम? अच्छा, नाम बताएं और नंबर बता दें अपना। सॉरी, मेरा नंबर 0315 0315 30 30 25 25 313 313। क्या नाम है आपका? अजमल। अजमल भाई का नाम है। अगर किसी भाई को गाड़ी चाहिए तो भाई से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। गाड़ी बाहर से शावर है, अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन, इंजन रूम जेन्युइन है, 2400 सीसी डीजल इंजन में ये गाड़ी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। ये होंडा सिविक 2002 का मॉडल है गाड़ी, बाहर से शावर है, अंदर से पूरी ये गाड़ी जेन्युइन है, और न्यूली शावर कराया है ब्लैक कलर में, और ये सनरूफ वाली गाड़ी है, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है, न्यूली शावर कराया हुआ है इसको, और टायरों की कंडीशन नहीं है कुछ,
स्क्रैचेस नहीं है इस गाड़ी में। कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी इस गाड़ी की, शावर अभी भी करा है, बैक कैमरा LCD और अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी भी। बहरहाल लेते वक्त आप फिर भी गाड़ी को चेक कर लें, पेपर वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं गाड़ी की अच्छी तरह से आप लोग चेक कर लिया करें। और गाड़ी लेने से पहले या तो किसी अच्छे मैकेनिक को साथ लाएं पेपर चेक कराने के लिए, उस बंदे को साथ ले जाएं जिसको पता हो पेपर चेक कैसे होते हैं। अगर नहीं होता वहाँ से आप चेक करवा सकते हैं, सिविक सेंटर चले जाएं वहाँ से आप चेक करवा सकते हैं। इसके साफ़ सुथरी गाड़ी है, इंटीरियर से कुछ इस तरह है, बिल्कुल साफ़ सुथरी इंटीरियर है इसकी। और ये मैनुअल ऑटो में है ये गाड़ी, और सनरूफ बिल्कुल ओके कंडीशन है गाड़ी की। सिविक 2002 का मॉडल है ये। अपना इंजन है इसका, क्या मांग रहे हो भाई? जी 1600 CC इंजन है इसका, अपने इंजन पे गाड़ी, इंजन रूम से बिल्कुल साफ़ सुथरी, इंजन रूम जेन्युइन है, बाहर से शावर है गाड़ी है, और अपने इंजन पे ये गाड़ी। इंजन रूम से बिल्कुल ही साफ़ सुथरी गाड़ी है, बोनट से कंडीशन कुछ इस तरह से गाड़ी है। बंद कर दे, डिमांड क्या करें इसकी? 8,25,000। 8,25,000 कमी पेशी हो जाएगी रेट में किसी को चाहिए तो? बिल्कुल हो जाएगी सर। अच्छा टैक्स वगैरह पेड है इसका? कंप्लीट। कोई काम वगैरह गाड़ी में? अच्छा तो ये इसका CNG वगैरह लगी हुई है? पेट्रोल AC? अच्छा जी, नंबर बता देते हैं। 2312 2222 5 5 8 2 8 2 4। क्या नाम है आपका? फैज़ान भाई का नाम है। किसी भाई को चाहिए तो गाड़ी ले सकते हैं भाई से, बाहर से गाड़ी शावर है, अंदर से पूरी गाड़ी जेन्युइन 2002 का मॉडल है गाड़ी, 1600 इंजन में। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, ये होंडा सिटी 2004 का मॉडल है गाड़ी, इसकी छत और इसका बोनट ये जेन्युइन है, बाकी पूरी ये गाड़ी शावर है। टायर जो नॉर्मल कंपनी से लगे हुआ हैं स्टेपनी टायर वो लगे हुए हैं, स्क्रैचेस वगैरह नहीं है इसमें भी, इतना गाड़ी बिल्कुल क्लियर है ये भी। और बैक साइड से इस तरह है कुछ, और बैक कैमरा LCD 2004 का मॉडल है सिटी। अंदर से कुछ इस तरह से नॉर्मल साउंड सिस्टम लगा हुआ है इसमें, आप इंटीरियर पूरा जेन्युइन है, दरवाजों से कुछ इस तरह से ये गाड़ी। ये जी 1.3 में इंजन है इसका, और पेट्रोल CNG का पता नहीं है, भाई से पूछ लेते हैं। हमारा इंजन साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, और कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है देख सकते हैं आप लोग। बाकी इंजन रूम इसका जेन्युइन है, कोई शावर वगैरह नहीं है इंजन रूम में, ये गाड़ी ऑटोमेटिकली साफ़ सुथरी कंडीशन में। ये भी बोनट वगैरह देख सकते हैं आप लोग, हमारा रेट वगैरह जो भी है भाई से टच करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये क्या मांग रहे हैं इसका? 790। अच्छा कमी पेशी हो जाएगी रेट में किसी को चाहिए तो? जी हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा कमी पेशी भी हो जाएगी, और नंबर बता दिए अपना? 0313 0313 2528 9837 0370। क्या नाम आपका? आफ्ताब अली भाई का नाम है। किसी भाई को गाड़ी चाहिए तो भाई से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। AC ऑन है इसका? जी बिल्कुल। CNG नहीं, पेट्रोल पे CNG। अच्छा पेट्रोल पे, थ्रू पेट्रोल पे गाड़ी है? थ्रू पेट्रोल पे। ठीक है, टैक्स वगैरह पेड है इस गाड़ी का? जी कोई काम काज वगैरह गाड़ी में? कोई भी नहीं है। अच्छा मतलब क्लियर है गाड़ी पूरी, बाकी देख सकते हैं बोर्ड इस तरह से गाड़ी का, LCD बैक कैमरा। कितनी चली हुई है गाड़ी? है अच्छा जी। अच्छा ये कितना देती पर लीटर यार? पर लीटर पे कितना देती है ये गाड़ी, रश में या बाहर हाईवे पे? यार नोट नहीं किया कभी, नोट नहीं किया। चलें ठीक, थैंक यू। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, ये है XLi 2007 का मॉडल है, बाहर से गाड़ी एरी पेंट है और अंदर से पूरी गाड़ी है जेन्युइन है, 2007 का मॉडल है, वाइट कलर में।
टायरों की कंडीशन कुछ इस तरह से इसकी, और साइड से आप लोग देख सकते हैं और बैक साइड से कुछ इस तरह से ये गाड़ी। का मॉडल है XLi 2007 का मॉडल है ये। इंटीरियर से कुछ इस तरह ही है गाड़ी। और इंजन रूम से दिखाया तो मैं आप लोगों को, रूम से गाड़ी जेरियन है ये, रूम कोई बना हुआ नहीं है इस गाड़ी का। बैटरी न्यू इंस्टॉल्ड है मेरे ख्याल में, और टिकली सामने लगी हुई है। बोनट से गाड़ी कुछ इस तरह से, एक मिनट, क्या मांग रहे हैं इस गाड़ी का? इस गाड़ी के 9 लाख कमी पेश हो जाएगी रेट में, अगर किसी को चाहिए तो। अच्छा, कमी पेश हुई कोई काम वगैरह तो नहीं गाड़ी में? टैक्स वगैरह पेड है गाड़ी का? सब फुल। अच्छा जी, नंबर बता दे अपना। 0343 2484 2484 2502 2502। क्या नाम है? राशिद भाई का नाम है। किसी बाइक अगर चाहिए गाड़ी तो भाई से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। 2007 का मॉडल है XLi। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ये एल्टो 2007 का मॉडल है गाड़ी। दो तीन जगह से बाहर से शावर है, लेकिन पूरी गाड़ी बाहर से जेन्युइन है, जिससे छत बोनट और डिगी और साइडों में से, मतलब ये गाड़ी शावर है। और टायरों की कंडीशन कुछ इस तरह है, सामने से नॉर्मल टायर लगे हुए हैं इसमें, स्टेपनी टायर ब्लू कलर में, और इसके जो हैं थोड़े से डिगी की साइड से कुछ इस तरह से ये गाड़ी बंदे बस साइड में से कुछ इस तरह से गाड़ी। दो हज़ार सात एल्टो जो रूम से, रूम खुला है पौधे रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से ये नॉर्मल होती है। तकरीबन 970 सीसी के आसपास होती है ये गाड़ी। 9000 सीसी होती है, 970 सीसी में काउंट होती है ये। इंजन भी साफ सुथरा है इसका। आर एस के बाद आपकी बस आ रही है, कंडीशन अच्छी है इसकी। बस अंदर से दिखाया तो मैं गाड़ी, ये दरवाजे से कुछ इस तरह से ये गाड़ी, नॉर्मल साउंड सिस्टम लगा हुआ है इसमें। ये गाड़ी कितनी चली हुई है पता नहीं भाई, चेक कर लो, डिजिटल होगा। 172 चली हुई है। ये देख लो 1700 कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसके कर रहे हैं भाई 470। 470 कमी पेशी हो जाएगी रेट में, अगर इसी को चाहिए तो 5 कम हो जाएंगे, 5000 कम हो जाएंगे। ठीक है, टैक्स वगैरह पेड है इस गाड़ी का? कोई काम वगैरह गाड़ी में इससे में? अच्छा जी, एसी वर्किंग में, एसी सीएनजी, सीएनजी पेट्रोल एसी सब वर्किंग में। ठीक है, नंबर बता दे अपना। 0333 2444 2660 2660। क्या नाम है आपका? इरफान भाई का नाम है। किसी भाई को चाहिए तो गाड़ी आप भाई से ले सकते हैं। 2007 का मॉडल है एल्टो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ये है टोयोटा लैंड क्रूजर टू डोर जो होती है गाड़ी। 87 है, 2018 की रजिस्ट्रेशन है ये गाड़ी। बाहर से गाड़ी ये टच अप है, अंदर से पूरी ये गाड़ी जेन्युइन है, और आर्मी ऑक्शन की गाड़ी है ये। बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन की, ब्रांड न्यू कंडीशन में गाड़ी खड़ी हुई है। लैंड क्रूजर टोयोटा लैंड क्रूजर 2018 का मॉडल है ये गाड़ी। टायर से कंडीशन कुछ इस तरह से, बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है कंडीशन में ये गाड़ी खड़ी हुई है। और साइडों में कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं है गाड़ी में इसमें, और टू डोर में ये गाड़ी। बैक साइड से कुछ इस तरह से ये, और ये बैक साइड से कुछ इस तरह से गाड़ी। 15 बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में ये गाड़ी। और लेते वक्त फिर भी आप चेक कर लीजिए गाड़ी को, और छत से कुछ इस तरह से। इंजन रूम खुला है इसका?
तो इसका भाई 4200 सीसी इंजन है और अपने इंजन पे है ये 6 सिलेंडर और ये अपने इंजन पे है ये 4200 सीसी पेट्रोल इंजन का इसका। और दरवाजे कुछ इस तरह से, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो और पावर मिरर में ये गाड़ी, और डैशबोर्ड से बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में ये गाड़ी देख सकते हैं आप लोग, छत देख लें। 2018 की स्टेशन है ये, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में है गाड़ी। क्या डिमांड करें भाई इसकी? इसकी डिमांड भाई जान हम 15 लाख। 15 लाख कमी पेशी हो जाएगी रेट में अगर कोई आपसे रब्ता करे तो? हो जाएगी बिल्कुल। अच्छा, टैक्स वगैरह पेड है इस गाड़ी का? कोई टैक्स वगैरह शार्ट तो नहीं है? कोई कामकाज गाड़ी में अगर नहीं भी है तो हम पे करके देंगे। अच्छा, आप पे करके दे देंगे टैक्स वगैरह के? पेपर वगैरह सब कम्प्लीट है इस गाड़ी के? अच्छा जी, नंबर बता दें अपना। 0322-283-283-40-74-74। क्या नाम है आपका? असद। असद भाई का नाम है। अगर किसी भाई को गाड़ी चाहिए तो भाई से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, 2-3 टचअप मतलब नॉर्मली टचअप है, बाकी पूरी गाड़ी है जेन्युइन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ये सुजुकी कल्टस 2013 का मॉडल है ये, मतलब कि 70% गाड़ी जेन्युइन है और 30% शावर है कहीं से, मतलब कि टचअप वगैरह की वजह से गाड़ी ये शावर है। गन मेटेलिक कलर में, टायरों की कंडीशन कुछ इस तरह से इस गाड़ी की। कल्टस की भी किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो कल्टस की भी बना रहा हूँ वीडियो, और स्क्रैच वगैरह नहीं है गाड़ी में इतने। EFI इंजन में होती है ये, 2013 का मॉडल है। दरवाजे बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं इस गाड़ी के, भी एक सारा ही गाड़ी, नॉर्मल साउंड सिस्टम लगा हुआ है, कवर वगैरह लगे हुए सीटों पर। रूम में तो इसका इंजन रूम में कुछ इस तरह से भाई साफ़ सुथरा इंजन रूम, मैटिकली वगैरह लगी हुई है ये, और EFI इंजन में ये 1000 cc में भी ये होता है, पट्टी वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी। एक्सीडेंटल गार्ड नहीं है ये। बाहर रेट वगैरह पूछ रहे थे भाई से, क्या है इसके, क्या डिमांड कर रहे हैं? कितनी चली हुई है गाड़ी यार? 58,000 ओरिजिनल चली हुई है गाड़ी, ठीक है 58,000 ओरिजिनल चली। क्या डिमांड कर रहे हैं? 8.5 लाख रुपये डिमांड। कमी पेशी हो जाएगी रेट में अगर किसी को चाहिए? कोई काम काज तो नहीं है गाड़ी में? टैक्स वगैरह पेड है इस गाड़ी का? टैक्स पे करके दे देंगे आप। अच्छा जी, नंबर बताइए अपना। 0335-2217-3633। क्या नाम आपका? फहद भाई का नाम है। किसी भाई को चाहिए तो गाड़ी ले सकते हैं भाई से। 8.5 डिमांड करें, 8.5 डिमांड करें, ठीक है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ये है सुबारू पोलो, 2012-15 की रजिस्ट्रेशन है, साफ़ सुथरी गाड़ी है और बाहर से स्टिकर लगा हुआ है, अंदर से पूरी गाड़ी है जेन्युइन है, मतलब के वाइट कलर में गाड़ी और स्टिकर कुछ इस तरह से भाई ने लगाया हुआ है इस कलर की सेफ्टी के लिए। रिम टायर लगे हुए अच्छी क्वालिटी के, बाहर स्पेस वगैरह नहीं है इस वजह से मैं इसी तरह से सही से नहीं दिखा सकता छत से कुछ इस तरह से। और ये 2 डोर में है ये गाड़ी, और ये मीरा का शेव है बिल्कुल ये है। हाँ, 2 डोर में है गाड़ी। इंजन रूम से कुछ इस तरह से, ये 660 cc में ये गाड़ी होती है, डिस्पोजेबल जो इंजन होता है, डिस्पोजेबल इंजन है इसका। ये भी मीरा की तरह ही है बिल्कुल, सुबारू पोलो के नाम से कोई गाड़ी है, जापानीज़ गाड़ी है, 2012-2015 की रजिस्ट्रेशन है ये। इंजन रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बाकी पूरी डिटेल ले लेते हैं भाई से, क्या मांग रहे हैं इसके, इंटीरियर कैसा है इसका। अंदर से कुछ इस तरह से ये गाड़ी, और ये गाड़ी ऑटो में है, डैशबोर्ड बिल्कुल साफ़ सुथरा है इस गाड़ी का, बैक साइड से इस तरह है, ये 2 डोर में गाड़ी, डिटेल ले लेते हैं भाई से, क्या मांग रहे हैं इसके। चाहते हो रोजन जी? 8.5 लाख रुपये का? 8.5 लाख घर होता है। अच्छा, ये गाड़ी कितने वाले ला? ये तकरीबन 1 लाख रुपये भाई है। 1 लाख से ऊपर गाड़ी चली हुई है ना? 1 लाख तो ना इसमें, 58,000 किलोमीटर, 58,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, 8.5
8.5 lakh रुपए डिमांड कर रहे हैं भाई, और 12-15 की रिक्शा ने चार इंडिया पर एवरेज चार इंडिया लीटर एवरेज जो प्यारो ये तकरीबन लॉन्ग रूट पे रहती 18 मतलब कि 18 से 20 किलोमीटर देती लॉन्ग रूट का 5000 जो तेल हो जाए अन्य तानी हला तो हेर मो 500 हो जाए मतलब सुठी एवरेज तस एवरेज सुठी गाड़ी ठीक है। टैक्स वगैरह पेड है गाड़ी यो टैक्स वैक्स क्लियर है ठीक है। कुछ डिमांड में कमी पेशी थी 4 महीने शायद तकरीबन 20,000 पे घट करे सन 20,000 तक की कमी पेशी भी हो जाएगी डिमांड में। और कम काज तो ना है को गाड़ी में वो भी कम को ना एसी बेसी हर से गेट बंद करा तो गेट ना बस सही है मसलो ना इतरो तो के बताया ना मुखे बुधाने स्टिकर लगेला सा ठीक। अच्छा ये नंबर बुधायो पांजो नंबर ही लिखो पांजो दियो जो को तू पानी यूज करना आयो 904 1309 904 पोलो है पोलो सवार। अच्छा किसी भाई को चाहिए तो गाड़ी भाई से ले सकते हैं। पोलो सवार पोलो है 2012-2015 की रजिस्ट्रेशन है। साफ सुथरी कंडीशन में फाइल हर चीज ओके है पेपर पूरे कंप्लीट है इसके सीपीएलसी क्लियर है और टैक्स वगैरह सब पेड है। एसी वैसी अच्छी वर्किंग में 660 सीसी में ऑटो में ये गाड़ी किसी भाई को चाहिए तो भाई से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। सिस्टम मैम बूफर सब लगो 50-70,000 है खाली सिस्टम लगे ला एलसी सही। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, ये है सुजुकी एल्टो 2010 का मॉडल है। बाहर से पूरी गाड़ी है शावर है, अंदर से पूरी ये गाड़ी जेन्युइन है और कंडीशन कुछ इस तरह से है गाड़ी की। कोई स्क्रेचेस वगैरह नहीं है गाड़ी में यूट्यूब पे होते हैं और टायरों की कंडीशन बिल्कुल साफ सुथरी है, कोई स्क्रेचेस नहीं है गाड़ी में। और गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी है, गन मेटल कलर में होती है तकरीबन और 2010 का मॉडल है एल्टो। बाहर से ये गाड़ी शावर है तो डिग्गी से कुछ इस तरह से है ये गाड़ी और साफ है, कोई गली भी नहीं है गाड़ी यहाँ से। सीएनजी जो कंपनी फिटेड होता है इसका वही लगा हुआ है, नॉर्मल साउंड सिस्टम। अंदर से बिल्कुल साफ सुथरी है गाड़ी, इंजन रूम से कुछ इस तरह से इंजन रूम भी साफ सुथरा है इस गाड़ी का। इंजन रूम जेन्युइन में है और न्यू बैटरी इंस्टॉल्ड है इसकी 1000 cc इंजन में होता है जो ये 970 cc में काउंट होता है ये। और साफ सुथरी कंडीशन में बारह पूरी डिटेल ले लेते हैं भाई से फिर भी। अच्छा ये कितनी गाड़ी चली हुई है ये गाड़ी इतना पता कुछ नहीं, ये भी पता नहीं। अच्छा क्या डिमांड कर रहे हैं? 5,60,000। 5,60,000 कमी पेशी हो जाएगी रेट में किसी ठीक है। टैक्स वगैरह पेड इस गाड़ी का? नहीं, 4 साल का टैक्स शार्ट है। कोई काम वगैरह तो नहीं गाड़ी में? नहीं। अच्छा जी नंबर बता दे, नंबर बता दें अपना 0333-313-4247। क्या डिमांड बता रहे थे? 560। चलिए हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, ये XLi कन्वर्टेड GLi है 2014 का मॉडल है गाड़ी। 3 से 4 पीस बाहर से टचअप है, बाकी पूरी गाड़ी है जेन्युइन है और ये वाइट कलर में है। टायरों की कंडीशन बिल्कुल साफ सुथरी है इसकी और स्क्रेचेस वगैरह नहीं है गाड़ी में इतने। 2-3 पीस टचअप हैं भाई, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि उसको पता भी नहीं है कौन सी साइड के टचअप हैं, लेकिन 2-3 पीस टचअप हैं इस गाड़ी के वाइट कलर में। बैक साइड से कुछ इस तरह से ये गाड़ी, और अंदर से ये गाड़ी इस तरह से, दरवाजे वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं इस गाड़ी के। इंटीरियर बिल्कुल जेन्युइन है और साफ़ सुथरा इंटीरियर है इसका। और इंजन रूम से कुछ इस तरह से, इंजन रूम बिल्कुल साफ सुथरा ब्रांड न्यू इंजन रूम है इसका और ये 1300 cc 1.3 में बैटरी न्यू इंस्टॉल्ड है।
अच्छी कंडीशन में है ये, बोनट वगैरह देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में इसका इंजन रूम और 1300 cc में, जैसे कि एक्सएल आई जी एल में कन्वर्टेड है, 2014 का मॉडल है। हाँ साहब कितनी चली हुई है गाड़ी है? डिजिटल में ना, बस ऑन कर दें बस चल जाएगा। ये पावर स्टीयरिंग पावर मिरर में होती है ये गाड़ी। तकरीबन 74,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई, 2014 का मॉडल है। क्या डिमांड करेंगे साहब? डिमांड 15 लाख रुपये डिमांड। कहीं पेश हो जाएगी रेट में अगर किसी को चाहिए तो? अच्छा, टैक्स वगैरह पेड है इस गाड़ी का? हाँ, जून तक पेड। अच्छा, कोई काम वगैरह तो नहीं गाड़ी में? ठीक है, फाइल पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं सब? ठीक है। अच्छा नंबर बता दें अपना। 0303 2956 2956 551। क्या नाम है आपका? ज़फ़र भाई का नाम है। अगर किसी भाई को चाहिए तो भाई से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। 2014 का मॉडल है, एक्सएल आई जी एल ए कन्वर्टेड है। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ये मेहरान 98 का मॉडल है गाड़ी, और ये गाड़ी जेन्युइन हालत में है, पूरी साफ़ सुथरी कंडीशन में, रिम नॉर्मल टायर लगे हुए हैं, अच्छी कंडीशन में है, और क्या फ्रीलांस नहीं है? जी जी बिल्कुल फ्रीलांस काम। जी जी, किसी के लिए कर रही है? नहीं नहीं, अपने लिए करते हैं। और बैक साइड से कुछ इस तरह से मेहरान, और सीएनजी लगी हुई है इसमें, और बैक साइड से भी नो डाउट गाड़ी जेन्युइन है। बहरहाल फिर भी आप लोग लेते वक्त गाड़ी चेक कर लीजिएगा, 98 का मॉडल है गाड़ी ये, और अंदर से कुछ इस तरह से गाड़ी है। सीट कवर लगे हुए हैं इसमें, नॉर्मल साउंड सिस्टम लगा हुआ है, 98 का मॉडल मेहरान। बाकी इंजन रूम आप दिखा देता हूँ, 98 का। यार एक बंदा कहीं घूम रहा होगा इधर ही, वही है 250। और इंजन रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से, ये इंजन रूम भी बिल्कुल साफ सुथरा है इसका। पेट्रोल लेते वक्त आप गाड़ी चेक कर लीजिएगा, वो लगा लेंगे यार, मसला नहीं। सही है, बोनट से भी अच्छी हालत में है। किधर जाते हैं? फिल्मेरो को मिलेंगे? हाँ हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अच्छा क्या मांग रहे इसके? 250 में कमी पेशी हो जाएगा रेट में? हाँ होगा। ठीक है, नंबर बता दे अपना। नंबर 0341 2500 2500 189 189। सरदार अली मामा, सरदार अली मोहम्मद की गाड़ी है भाई, किसी को चाहिए तो भाई से कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। 98 का मॉडल है मेहरान। पैसे लिए किसी के पास पैसे है लिया, 2.5 लाख रुपए लाओ और गाड़ी हम प्यार मोहब्बत से देने उसको, अब क्या करें, हम मजबूर है। नाम सरदार अली, हाँ जी हाँ, नंबर बताया 0341 2500 189। 2,50,000 हाँ हो जाएगी, कोई लेने वाला आ गया मेरा भाई तो उसके साथ कर लेंगे ना, सारा क्लियर देंगे उसको, मेहरबानी। ठीक है, और आप? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, ये होंडा सिविक 2001 का मॉडल है गाड़ी, बाहर से पूरी शावर है और अंदर से पूरी गाड़ी है जेन्युइन है, इंजन रूम वगैरह जेन्युइन है इस गाड़ी का, और मैं आगे जाकर डिटेल पूरी दे देता हूँ आप लोगों को। स्क्रेचेस वगैरह नहीं है, शावर है तो स्क्रेचेस का सवाल नहीं होता, और रिम टायर लगे हुए हैं, टायर भी अच्छी कंडीशन में है, और बाहर से कुछ इस तरह से है ये, LCD बैक कैमरा, और स्क्रेचेस नहीं है इस गाड़ी में, सिल्वर कलर में ये, और इंटीरियर कुछ इस तरह से है गाड़ी का, दरवाजे वगैरह सही हैं, इतने जंग वगैरह नहीं है दरवाज़ों में। बहरहाल फिर भी आप लेते वक्त गाड़ी को अच्छी तरह चेक कर लें यार, ताकि ये तो सिर्फ वीडियो में दिखाई जा रही है और रियल में देखना कुछ और होता है गाड़ी का। मगर साफ़ सुथरी गाड़ी है, और अंदर से कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देख सकते हैं आप लोग, 2001 का मॉडल है सिविक, और मैनुअल में है ये, मीटर की साइड कुछ इस तरह से, और ये गियर की साइड, और इंजन रूम भी दिखाया था मैं आप लोगों को, पावर स्टीयरिंग पावर विंडो में होती है गाड़ी,
नहीं भाई, अपने इंजन पे गाड़ी है 1.6 1600 सीसी होता है कि ये पेट्रोल इंजन है और साफ सुथरी कंडीशन में है। बाल ये मेरे ख्याल में घर की गाड़ी है, अगर कोई ब्रोकर वगैरह के पास होती तो गाड़ी साफ बना के आ जाती। बहरहाल देख लें इंजन इस तरह से है, 1600 सीसी में है ये इंजन रूम और बोनट कुछ इस तरह से इस गाड़ी का। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 690 डिमांड। कमी पेशी हो जाएगी रेट में अगर किसी को चाहिए तो? ठीक है। अच्छा नंबर बता दें अपना। 0334 0334 34 34 57 57 292 292। क्या नाम है आपका? कासिम। कासिम भाई का नाम है। किसी भाई को चाहिए तो गाड़ी भाई से ले सकते हैं। 2001 का मॉडल है सिविक। और इसका टैक्स वगैरह पेड है गाड़ी का? कोई काम वगैरह तो नहीं है गाड़ी में? फिल वक्त तो नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो जी, तो आज की वीडियो थी यहीं तक। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो यार लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करके बताओ कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी बनाऊँ। और अभी चाहते हैं ज़्यादा आप लोगों से अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, यार दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।